بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم عزیزان محترم अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के ऊपर जो है बेशुमार लामहदूद नेमतें अता की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लारेब खिताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सारी ऐसे मकामात आए हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतें गिनवाई। नेमतें गिनवाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि कौन कौन सी नेमतें इंसान के ऊपर जो है सबसे आला अता की हैं। जैसे आप अगर सूरतुर रहमान पढ़ो, सूरतुर रहमान के अंदर 31 मरतबा एक आयत आई है, फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ए जिन्नो और इंसानों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। और दूसरी आयत है शॉर्ट, उसका मफहूम व इत्तअद्दू नियामतल्लाह ला तुहसूहा, ए इंसानों अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को काउंट करना चाहो तो तुम काउंट नहीं कर सकते। इफ यू शुड काउंट द फेवर ऑफ अल्लाह कुड नॉट इन्यूमरेट द फेवर ऑफ अल्लाह देन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमत है उसको तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अजीजान मोहतरम, मैंने जो आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कि वक्त की अहमियत, और इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो भी मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। अजीजान मोहतरम, ये वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको वादे तौर पे बयान करने के लिए, इसकी अहमियत बयान करने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बयान करने के लिए, जैसे आप कुरान मजीद में मुख्तलिफ कलिमात आम देखेंगे, जैसे है वल असर वल फजर वल लयालिन अशर वशमसी वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, ऐसे बहुत सारे कलिमात, ये सारे कलिमात जो है ये कस्में हैं, ये वक्त की कसम। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन दोपहर के वक्त की कसम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाश्त के वक्त की कदम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन रात की कसम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह की कसम उठा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है असर के वक्त और फजर के वक्त की कसम उठा रहे हैं, ये सारी कस्में हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों को जैसे ये जिंदगी दी, आप यूं समझे एक सेंटेंस है, सडनली आई रियलाइज That the days coming and going are my life. एक शख्स कहता है कि अचानक मैंने फील किया, अचानक मैंने महसूस किया कि जो दिन मेरे आ रहे हैं, जो दिन मेरे जा रहे हैं, यही जिंदगी है। आपके सामने जो तिलावत फरमाई, इसका शॉर्ट मफहूम ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसको अक्सर इंसान, कसीरु मिनन्नास, अक्सर इंसान मिस यूज करते हैं, अक्सर इंसान सही तरह उसे इस्तेमाल नहीं करते, उसे ज़ाया कर देते। एक नेमत है अस्सेहत वल फराग, पहली नेमत सेहत की नेमत है, और दूसरी टॉपिक से रिलेटेड है वो है फल वल फराग, कि जो टाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, जो वक्त दिया है, जो फुर्सत के लम्हात हमें दिए, ये जो फुर्सत के लम्हात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किए हैं, ये हम सही तरह इस्तेमाल नहीं करते इनको। तो अजीजा ने मोहतरम, ये वक्त जो है इसको सही तरह यूटिलाइज करें, यही आपका गोल्डन पीरियड है। स्टूडेंट, मैंने कल एग्जाम्पल एक दी थी कि आप बेशक आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप लायर बन सकते हो, बहुत सारे आपके ड्रीम्स है वो आप बन सकते हो, लेकिन अभी नहीं बन सकते। अभी आप क्या बन सकते हो, इस टाइम आप बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो, इस टाइम आप बहुत अच्छे शागिर्द बन सकते हो, इस टाइम आप बेस्ट स्टूडेंट के जुमरे के अंदर आ सकते हो। ये टाइम है, इस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझे, ये नेमत है अल्लाह की तरफ से, और यूं समझिए अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है ये वक्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है, और गिफ्ट की बंदा कैसे ये उसकी हिफाजत ही करता है।